हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हालचाल है आपके दोस्तों? अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राजेश थिरानी है और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट MG ग्लॉस्टर। अब ग्लॉस्टर एक प्रीमियम SUV है और इस पर हमें बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे कंसल्टेशन पे। बहुत लोग पूछे कि इफ़ यू शुड कंसिडर दिस कार और नो, और ऑफ लेटली मैंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे सवाल इस व्हीकल पे बढ़ गए हैं। तो मैं सोचा आपका काम आसान कर देता हूँ और आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस वजह से हम आपके लिए लाए हैं MG ग्लॉस्टर पे 7 रीजंस जिस वजह से आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। देखिए, हमारा हमेशा से एक स्टैंडर्ड रहा है, हम सेफ्टी हमेशा रेकमेंड करते हैं। तो इस वजह से मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा ग्लॉस्टर के बारे में, सेफ्टी। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे हेक्टर के, ZS EV के, हमने वहाँ पे क्लियरली कहा है कि गाड़ी काफ़ी सॉलिड डेफिनेटली फील होती है और ग्लॉस्टर की भी वही कहानी है, गाड़ी एकदम मजबूत फील होती है। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एटलीस्ट हमें अच्छा फील होता है। मोरओवर, इसका जो NCAP रेटिंग है वो अभी तक आया नहीं है या इसका किया नहीं गया होगा, और ग्लोबल NCAP वो गाड़ियाँ पिक करता है जो उनको ठीक लगता है। जनरली आप नोटिस करोगे वो 10-15 लाख के अंदर वाली गाड़ियाँ ही पिक करता है, क्योंकि जो एक्सपेंसिव कार्स है उनमें आपको सेफ्टी मेजरली मिल जाता है अच्छा खासा। इस गाड़ी का ग्लोबल NCAP इंडिया में नहीं किया गया, बट ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी का जो ग्लोबल NCAP किया गया है ऑफ द ग्लॉस्टर, उसमें इसको पूरे 5-स्टार रेटिंग मिले हैं। और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो सेफ्टी फीचर्स में दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है, इस वजह से आई कैन से कि ये भी मोस्टली 5-स्टार रेटेड SUV ही रहनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, 6 एयरबैग्स, ABS+ EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जो इसमें काफ़ी यूनिक है। मोरओवर इसमें आपको ADAS भी मिलता है, जिसको गिन के इसमें आपको टोटल 30 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो यानी कि एक सिस्टम है जो आपको असिस्ट करेगा वाइल ड्राइविंग। इसका मतलब नहीं कि आपने छोड़ दिया अपने आप गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये Level 1 है। ऑफकोर्स हायर लेवल्स जो आते हैं उसमें आपको यू कैन रिलाई ऑन द कार टू ड्राइव, बट फिलहाल के लिए Level 1 है और ये इंडिया की पहली गाड़ी बनी जिसमें आपको ADAS सिस्टम अवेल किया गया है। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है? आपको 6 फीचर्स टोटली आते हैं। एक आता है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसके बाद आपको आता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग, उसके बाद इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग रादर, जो सिटी में ही चलता है अंडर 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। आपके पास लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है आपको, आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है, एंड साथ में आपको ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस भी इसमें मिल जाता है। सो ओवरऑल लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ सेफ्टी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा है, एंड इवन अगर हम बिल्ड की बात करें तो भी काफ़ी सॉलिड है। चले टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आप एक 7-सीटर गाड़ी ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही वाइटल पॉइंट हो जाता है। हमेशा 7 proper seats या 6 proper seats अगर आप गाड़ी ले रहे हो, सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मेरे लिए इंटीरियर स्पेस आता है। आपके लिए भी यही क्राइटेरिया रखना चाहिए, सेफ्टी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने लिए। सो सेकेंड पॉइंट जो ये है इज इंटीरियर स्पेस और इंटीरियर प्रीमियमनेस। अगर आप लगभग 40 लाख रुपए एक गाड़ी पर डाल रहे हो तो आपको प्रीमियम इंटीरियर मांगना आपका हक बनता है। अगर आपका डैशबोर्ड फिनिश अच्छा नहीं है, अगर आपका सीट का अपोल्स्ट्री अच्छा नहीं है, आई विल रेकमेंड डोंट गो फॉर दैट कार स्ट्रेट अवे। तो जैसे आप ग्लॉस्टर के अंदर आके बैठते हो, आपको नोटिस करोगे कि इसके जो लेदर अपोल्स्ट्री की क्वालिटी है, जो बोल्स्ट्रिंग है, काफ़ी हाई क्वालिटी का, और कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इस गाड़ी के अंदर इन टर्म्स ऑफ फिट, फिनिश एंड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुका हूँ, जो अंदर के मटेरियल्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ मैं सेकेंड रो में बैठा हूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 6 and 7 seater दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, चाहे आप टॉप मॉडल क्यों ना लें। पहले टॉप मॉडल पे आपको 7 seater नहीं आता था, अब 7 seater भी आ गया टॉप मॉडल पे। तो आपके पास यहाँ पे मेरी हाइट 6 feet है, नीरूम अच्छा खासा है, हेड रूम अच्छा खासा है। अब मैं इसके बाद थर्ड रो जाऊँगा, जहाँ पे मेजरली जो भी गाड़ी है सेगमेंट में है वहाँ मैं कंफर्टेबली नहीं बैठ पाया हूँ। तो यहाँ जाते हैं हम थर्ड रो के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ मैं बैठा हूँ एकदम आराम से बैठ गया हूँ। मेरे पास नी रूम है अच्छा खासा, हेड रूम की भी कमी बिल्कुल नहीं है, वरना सब गाड़ी में सर मेरा टच हो जाता है इन द थर्ड रो। और यहाँ पे अब मेरे को रिक्लाइन का ऑप्शन भी है, और जब मैं ऐसे बैठ गया तब मेरे पास और ज़्यादा जगह बढ़ गई, और नी रूम की तो कमी है ही नहीं यहाँ पे। तो आई कैन सिट रियली कम्फर्टेबल ऑन द बैक इन द थर्ड रो। कोई और दूसरी गाड़ी थर्ड रो में मेरे को ना इतना अच्छा हेडरूम देती है, ना इतना अच्छा नी रूम देती है। सो ये एक प्रॉपर 6
एंड सेवन सीटर गाड़ी है इस पूरे सेगमेंट में। और ऐसे नहीं कि ये सीट मैंने पूरी आगे ली है, मैं ये सीट और आगे जाएगी अभी तक, जिसको मैंने पूरी तरह से आगे नहीं लिया हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस ग्लॉस्टर बहुत ही कंफर्टेबल है ऑन द थर्ड रो एज वेल, चाहे आप 6 फुट के हो या उससे कम। अब बहुत बातें हो गई, गाड़ी चलाएं, अब इंटीरियर की तो बातें हो गई, बात आती है परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है ट्विन टर्बो के साथ, जो आपको 218 पीएस ऑफ पावर और 480 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए, गाड़ी लंबी है, बड़ी है, तो आपको पावर भी उतना ही चाहिए। सो अगर आप सिटी में चलाते हो, यू कैन ड्राइव इट इन द रेगुलर मोड, जहाँ पे थोड़ा आपको लथार्जी फील होगा, आप आराम से एक्सेलेट कर सकते हो, इट्स बीन ट्यून फॉर सिटी ड्राइविंग। बट जैसे ही आप इसे स्पोर्ट मोड पे डालते हो और आप एक्सेलेटर दबाओगे, यू विल नोटिस देयर इज अ मेजर डिफरेंस, रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर हो जाता है इंजन का, चलाने में आपको ज़्यादा पेपी फील होती है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें आपको 3 मोड्स आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ज़्यादा पुश करना है तब स्पोर्ट पे जाइए, वरना द सिटी मोड इज़ गुड इनफ फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग, आपको स्पोर्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ओवरऑल जो गाड़ी की विजिबिलिटी है उसमें भी कोई इशू नहीं है, मिरर्स भी इसके काफ़ी बड़े, सो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में आपको कहीं पे भी इनकन्वीनियंस नहीं फील होगा। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, तो आप इसे आराम से चला सकते हो शहर के अंदर, हाईवे पे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप चाहिए तो 2 उंगलियों से भी इसे टर्न कर सकते हो आराम से। ओके, मोर ओवर राइड क्वालिटी कैसी, आप इसे खराब रास्तों पे चलो आपको बैड रोड्स का पता भी नहीं चलेगा, इट राइड्स वेरी नाइसली, इट्स प्रीटी मच कंफर्टेबल। एंड साथ में अगर आप इसकी हैंडलिंग देखते, देखिए हैंडलिंग बड़ी गाड़ियों की आपको ऐसे ट्रैक वाली तो नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, बट अगर आप हाई स्पीड्स पे जाते हैं तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड्स पे अगर आप टर्न भी करते हैं तो आपको वहाँ पे भी ऐसे नहीं होगा यार गाड़ी कंट्रोल के बाहर जा रही है, वो सब एस्पेक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं महसूस होने वाले इस गाड़ी के अंदर। सो इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एंड इट्स अ ग्रेट चॉइस टू ड्राइव योरसेल्फ। तो अगर आप खुद गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाते और आपने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है, तो आपको ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप काफ़ी क्विकली इसमें एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस भी इज़ नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट, और ऐसे नहीं कि बहुत लंबा है। हाँ ऑफकोर्स इट्स अ बिग कार, तो टर्निंग रेडियस थोड़ा लंबा रहेगा, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टर्न इट अराउंड। तो ये सब चीज़ें क्लियरली इसके फेवर में जाती है, एंड फॉर अ न्यू बिग कार ड्राइवर आपको बिल्कुल हैसल नहीं होगा इसे चलाने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है 4-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको आता है इंटेलिजेंट 4-व्हील सिस्टम, जो डिज़ाइन किया है बाय बॉब वॉर्नर। ये काफ़ी वेल नोन 4x4 कंपनी, अगर आपको आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में, सो इन्होंने काफ़ी सारे वेल नोन 4x4 सिस्टम्स डेवलप किए। अब इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला तो आपको मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं, तो आपको सैंड में जाना है, मड पे चलाना है, स्नो में जाना है, रॉक पे चलाना है, तो आपके पास ऐसे मल्टीपल मोड्स एक तो आ जाते हैं। मोरओवर इसमें आपको डिफरेंशियल लॉकिंग मैकेनिज्म भी है, विच इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग मैकेनिज्म, जो मुझे नहीं लगता दूसरी गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ सेगमेंट में आपको ऑफर करती है। इससे आपका ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और एनहेंस हो जाता है, और आप कहीं फंसोगे तो मोस्ट सिचुएशंस में आप बाहर निकल सकते हो विथ यूजिंग ऑल दिस सपोर्ट। ठीक है, आप ऑफ रोड तो कर सकते हो, बट क्या आपकी गाड़ी में लग्जूरियस फीचर्स है या नहीं? तो अगर आप ग्लॉस्टर को देखते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे बेस्ट इन सेगमेंट के साथ साथ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे आपको वेंटिलेटेड के साथ हीटेड सीट्स भी, और हीटेड सीट्स आपको ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों के लिए। ड्राइवर सीट के लिए आपके पास मसाज भी दिया हुआ है, जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में ऑफर नहीं कर रही है। मोरओवर दूसरे फीचर्स भी अगर आप देखेंगे, तो इसको ऑलमोस्ट 12.5 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 कैमरा, बहुत सारे फीचर्स है। 12 स्पीकर्स आते हैं इसमें, 12 स्पीकर्स विथ एम्पलीफायर एंड सबवूफर। 8 इंच का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया हुआ है, जो डिजिटल है कम्प्लीटली, और यहाँ पे आपको एडैज मोड्स और सारे वार्निंग सिस्टम्स भी यहीं पे आ जाते हैं। सो इट्स प्रीटी कूल एंड इजी टू यूटिलाइज एवरीथिंग इन द कार। आपके पास फीचर्स काफ़ी दिए हुए इस गाड़ी के अंदर, सेकेंड रो पैसेंजर्स को एसी है, एंड आपको रूफ माउंटेड एसी भी दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को, जिस वजह से कैबिन ज़्यादा जल्दी कूल हो जाएगा। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है। सो फीचर्स गाड़ी में बिल्कुल कमी नहीं है एट ऑल। फीचर्स की तो बात हो गई, अब कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो गया है। मैंने देखा है जनरली अभी भी
ये प्राइस सेगमेंट में सारी गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है अभी भी। तो आप कहोगे कि यार ये जो आपको ग्लॉस्टर में मिल रहा है वो हेक्टर में भी मिलता है, तो इसमें क्या अलग है? तो पहली चीज़ आपको बता दूँ, इसमें आपको आईस्मार्ट 2.0 आता है। सेकंड, इसमें आपको टोटल 70 कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं जो कोई और गाड़ी इंडिया में देती नहीं है अक्रॉस द बोर्ड कोई भी प्राइस पॉइंट पे। और इसमें आपको क्या क्या आता है मैं इन शॉर्ट बता सकता हूँ। जियो फेंसिंग आता है, रिमोट कंट्रोल ऐप आता है आपके फ़ोन में, तो आप गाड़ी लॉक अनलॉक, गाड़ी स्टार्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो रिमोट कंट्रोल से डायरेक्टली। उसके बाद आपके पास कार हेल्थ चेकअप के लिए ऑप्शन आता है। इनफैक्ट इसके लिए तो चाहिए तो मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो, एक ही डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है फॉर कनेक्टेड कार फीचर्स जो आपको आते हैं इन द ग्लॉस्टर। अगर आप कॉमेंट्स में बोलोगे तो वी विल डेफिनेटली लुक एट मेकिंग वन फॉर यू। क्या कहते हो? सो गाइज, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जब भी मैं किसी को एक्सपेंसिव कार रेकमेंड करता हूँ या आप कभी भी कोई महंगी कार लेने जाते हैं, हमारे दिमाग में एक ही थॉट आ जाता है हर बार, नेचुरल है, कि गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे MG के पास एक तोड़ है उसके लिए, क्योंकि आपको अवेलेबल है MyMG Shield। अब इसमें आप सर्विस पैक्स ले सकते हो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, एंड नॉट जस्ट सर्विस पैक्स, आप सालों के ले सकते हो, बट आप कितना चलाओगे गाड़ी, 1 लाख, अनलिमिटेड किलोमीटर्स, एवरीथिंग कैन बी वेरीड एंड कस्टमाइज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो इससे आपका कॉस्ट पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाएगा एंड आपको मेंटेनेंस की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द MG Gloster। गाड़ी काफ़ी प्रीमियम है, फीचर्स काफ़ी देती है, एंड हमारे महाकंपेयरों में भी हमने आपको बताया क्या क्या, कितनी सारी चीज़ें ये ऑफ़र करती है। सो अगर आपको जो डाउट्स थे वो यहाँ क्लैरिफाई नहीं हो पाए हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है इंक्लूडिंग द ग्लॉस्टर, और वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, मैं आपके लिए चाहता तो ये वीडियो नहीं बनाता, मैं कहता कि आप हमारे साथ कनेक्ट करके कर लो, कॉल कर लो एंड अंडरस्टैंड विच कार टू बाय, बट मैं चाहता हूँ आपका प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, फॉर दैट रीज़न वी आर गेटिंग यू वीडियोज़। इनफैक्ट हम आपके लिए हफ्ते में 3 बार लाइव सेशन भी करते हैं, एक बार फेसबुक पे, एक बार इंस्टाग्राम पे, एक बार यूट्यूब पे, ताकि आपके डाउट्स मैं पर्सनली खुद क्लैरिफाई कर सकूं। मैं चाहता हूँ आपके पैसे इंश्योरेंस में भी बचे, तो अगर आपने डिसाइड किया आपको कौन सी न्यू कार लेनी है या फिर आपको रिन्यू करना है अपना इंश्योरेंस, चले जाइए motoroctane.com/insurance और वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कम्पेटिटिव प्राइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द motoroctane यूट्यूब चैनल, वरना आप ऐसे जो एक्साइटिंग कॉन्टेंट हम आपके लिए रोजाना ला रहे उसको मिस करेंगे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइज़।